हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायल किचन। आज हम बनाएंगे मटन कोफ्ता, वो भी बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मटन कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए पहले तो मटन का कीमा। इधर मैंने 200 ग्राम जितना मटन का कीमा लिया हुआ है। अब इसमें मैं पहले ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो है मैंने 1 टेबलस्पून जितने रेडी की हुई है, जिसमें मैंने 10 टू 15 क्लोव्स गार्लिक लिया हुआ है और थोड़ा सा जिंजर लिया है। ये मैं अभी हाफ यूज करूंगी और हाफ हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर, आप इससे भी थोड़ा कम यूज करें, 1.5 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून। ये मैं इधर डाल रही हूँ मीट मसाला, जो मार्केट से रेडीमेड मैंने लिया है। आप किसी भी कंपनी का मटन मसाला यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कोरिएंडर, यानी कि धनिया। लास्ट में हमें इसमें ऐड करना होगा एग। ये देखिए, मैंने एक एग लिया हुआ है इस बाउल में। इसमें से सिर्फ हमें हाफ एग की जरूरत है, तो इधर मैं हाफ यूज कर रही हूँ। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों ही ऐड करना है। देखिए, तो मैंने इधर अंडा भी डाल दिया है, उसे मिक्स करके अब 1 आवर तक रहने देंगे, और उसके बाद हम ग्रेवी रेडी करेंगे। नमक मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट में ऐड कर दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम टमेटो प्योरी रेडी करेंगे हमारी ग्रेवी के लिए। तो इसके लिए मैंने इधर 6 to 7 टमेटोज को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगी, हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें उबाल आ गई है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो हम इसे पिल ऑफ कर देंगे, यानी कि इसकी स्किन निकाल देंगे और इसे ब्लेंड कर देंगे, तो हमारी टमेटो प्योरी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, 1 आवर हो गया है, अब हम पहले ग्रेवी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है, और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने टमेटो प्योरी भी रेडी कर दी है ब्लेंड करके। तो अब हम ऑयल में पहले टमेटो प्योरी ऐड करेंगे, साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। बस अब इसे थोड़ी देर तक कुक करना है फुल फ्लेम पे, और फिर स्लो फ्लेम पे इसे कवर करके हम 5 to 10 मिनट्स तक रहने देंगे। देखिए, तो अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ स्लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स तक। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 मिनट्स हो गई है और ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें कोफ्ता बना के ऐड करेंगे। इधर हम जो मटन कोफ्ता बना रहे हैं, वो हम बिना फ्राई के बना रहे हैं। हम मलाई कोफ्ता या फिर कोई और कोफ्ते की रेसिपी बनाते हैं, तो हमें इसे फ्राई करना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिना फ्राई किए आप मटन कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो इधर कीमा लिया था, बिल्कुल ही ड्राई कीमा होना चाहिए। ऐड सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद हमें इसे हिलाना नहीं है थोड़ी देर तक। वापस से हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट्स तक मिनिमम। और फ्रेंड्स, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस तरह का वाइड वेसल यूज करना है, ताकि कोफ्ता जो है वो एक
ना जाए, इसीलिए हमें वाइड वेसल भी यूज करना इधर जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, तो अब मैंने सारे खीमे के बॉल्स रेडी कर लिए, यानी कि कोफ्ते रेडी कर लिए है और ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे फिर से 10 मिनट्स या फिर मिनिमम 5 मिनट्स तक कवर करके रखूंगी ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, तो वन साइड से कोफ्ता अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसे केयरफुली टर्न करके दूसरी साइड से कुक करना होगा। फिर से मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी तरफ मैंने इधर तड़का करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर लिया हुआ है, आप इसकी जगह घी या फिर ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, और बटर और ऑयल दोनों का मिक्स करके भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। बटर गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम और ज्यादा। देखिए तो ये तड़का रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है। अब हम इसे और थोड़ी देर तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मटन कोफ्ता बिल्कुल ही रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, कोफ्ता भी अंदर से अच्छे से कुक हो गया है। अब आप इसे कोरिएंडर से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने मटन कोफ्ता को बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसे कोरिएंडर से गार्निश कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आप इस तरह से यूनिक स्टाइल में मटन कोफ्ता बना सकते हैं। हमें इसे फ्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और ये बनाने में बहुत ही आसान था। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है। आप दूसरे मलाई कोफ्ता या फिर कोई और कोफ्ता की वैरायटीज बनाते हैं तो वहाँ पे फ्राई करना कंपलसरी हो जाता है। इधर बिना फ्राई किए बहुत ही अच्छे तरीके से कोफ्ता हमने बना लिया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।